आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यानी कोहली रोहित से 3 वर्ष क्या है बड़ा है, या ऐसे बोले कि कोहली से रोहित 3 वर्ष छोटा है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपातिक मान इतना है तो कोहली की आयु कितनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे है कौन कौन, कोहली और रोहित, कोहली और रोहित दोनों को उम्र का अनुपातिक मान 7-8, पहले कौन बोल रहा है कोहली, यानी 7 कोहली का और बाद में रोहित, तो रोहित का जी। दोनों की उम्र में अंतर कितना, यहाँ आ रहा है 1, लेकिन ये क्या बोल रहा है कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष कम है, हम लोग का आया अनुपात में 1 और ये बोल रहा है 3, ये भी अंतर ये भी अंतर, ये लेकिन ये एक्यूरेट अंतर है और ये अनुपातिक अंतर, तो कह सकते हैं 1 अनुपात का मान 3। तो कोहली की आयु कितनी, तो 1 अनुपात का मान 3, तो 7 अनुपात का मान कितना, क्योंकि कोहली का निकालना है और कोहली का अनुपातिक मान कितना है 7, तो 7 अनुपात का मान निकालने के लिए 1 अनुपात के मान यानी 3 से हम लोग गुना करेंगे, 7 * 21 वर्ष। कोहली की उम्र कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी रितेश मोहित से 12 साल बड़ा है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु से आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु कितनी है ज्ञात करना है। तो कौन कौन है, रितेश मोहित, रितेश और मोहित, रितेश है और मोहित है, दोनों की उम्र का अनुपातिक मान निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। तो रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है, रितेश की आयु यानी ये मोहित का 4 गुना है, यानी मोहित का उम्र यदि 1 है तो रितेश का कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 4, ये हो गया दोनों का अनुपातिक मान, लेकिन कब का, 17 वर्ष पूर्व का, कब का, 17 वर्ष पूर्व का अनुपातिक मान 4:1 है। दोनों की उम्र का अंतर यदि निकालें, क्यों अंतर निकालेंगे, बोला रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी रितेश जो है मोहित से कितना अधिक है, तो अनुपात में निकालेंगे हम लोग आएगा कितना, यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ अंतर 3 आया है अनुपात में, लेकिन कब का, 17 वर्ष पहले का, और ये कब का दे रहा है, अभी का दे रहा है 12 वर्ष, तो अब अभी का दे रहा है 12 वर्ष, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 का मान 12, यानी अनुपात में 17 वर्ष पहले दोनों की उम्र का अनुपातिक मान ये है, अंतर निकाले तो दोनों की उम्र का अंतर 3 आया, और हम लोग यहाँ लिख दिए कि अंतर ये 3, तो यहाँ अंतर दे रहा था कितना, अधिक का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का अंतर, तो इतना आ गया, यानी 3 का मान 12 हम लोग बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो अधिक का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका कोई भाई है, आप अपने भाई से 5 साल अभी बड़े हैं, तो क्या 10 साल के बाद छोटे हो जाएंगे, नहीं, 10 साल के बाद भी आप अपने भाई से 5 साल बड़े ही होंगे। और उसी तरह से यदि पहले का पूछा जाए कि 10 साल पहले, तो 10 साल पहले भी आप अपने भाई से 5 साल बड़े ही होंगे, यानी जो अंतर आप और आपके भाई में अभी है वही अंतर बाद में होगा और वही अंतर पहले भी होगा, आप अभी भी बड़े हैं और बाद में भी बड़े रहिएगा और उसके पहले भी आप बड़े ही होंगे, यानी कि जो अंतर 12 वर्ष का अभी है, 17 वर्ष पूर्व भी यानी पहले भी रितेश और मोहित की उम्र में अंतर उतना ही रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उम्र में अंतर 17 वर्ष पहले का कितना आ गया, 4:1 का अंतर 3, और 3 का मान कितना लिख देंगे अंतर हम लोग 12, यानी कि रितेश की उम्र मोहित से कितना अधिक अनुपात में 3 अधिक है, और ये बोल रहा था कि एक्यूरेट कितना अधिक है 12 वर्ष, तो कह सकते हैं 3 का मान 12। अब 1 का मान निकाल लेंगे, 3 * 3 = 12,
एक का मान निकालना ही पड़ेगा हम लोग को। तो एक का मान कितना आ गया, चार। एक मतलब एक अनुपात का मान 4 वर्ष, ये एक्यूरेट वर्ष में है और ये अनुपात में। किसका पूछ रहा है, मोहित की वर्तमान आयु, वर्तमान पूछ रहा है, लेकिन अभी हम लोग के पास वर्तमान नहीं है। हम लोग एक का मान निकालेंगे और एक क्या है, 17 वर्ष पहले का उम्र है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान तो पहले दे रहा है, एक का मान 4, तो एक का मान के लिए एक के मान से गुना कर देंगे, 4 वर्ष आ जाएगा, 4 वर्ष। लेकिन ये कब का हुआ, ये अनुपात कब का है, 4 और 1 17 वर्ष पहले का। तो अनुपात जब 17 वर्ष पहले का है तो उम्र भी कब का आया होगा, 17 वर्ष पहले का, यानी 17 वर्ष पहले उम्र, 17 वर्ष पहले उम्र कितना था, 4 वर्ष। किसका, मोहित का। बोला वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, वर्तमान मतलब 17 वर्ष पहले 4 साल का था, तो 17 वर्ष बीत गए यानी वर्तमान के लिए। तो 17 वर्ष पहले से अभी तक आने के लिए हम लोग को 17 साल क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा, तो 7 4 11 21 वर्ष कितना हो जाएगा हम लोग का, मोहित की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि ये 4 जो आया एक से आया, 4 अनुपात 1 कब का है, 17 वर्ष पहले का। तो 17 साल पहले 4 साल का था, तो 17 वर्ष अभी पूछ रहा है, तो 17 वर्ष बीत जाने के बाद अभी, जैसे पहले का मान लीजिए ये है 4 साल, ठीक, और अभी हम लोग को निकालना है, तो 17 वर्ष बाद का, ये 17 वर्ष पहले का और 17 वर्ष बाद के लिए 17 साल जोड़ेंगे, इसलिए 17 साल क्या किया गया, जोड़ा गया, तब 21 आ गया, यानी वर्तमान उम्र कितना हो गया, 21 साल। हम लोग का अगला प्रश्न है, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि रमा से बड़ी है। कौन कौन है, राधा और रमा, राधा है और रमा है, दोनों की उम्र में कितने का अंतर, 6 वर्ष। बड़ा कौन है, रमा बड़ी है। यदि वह रमा से बड़ी है यानी राधा बड़ी है रमा से, प्लस मतलब बड़ा और माइनस मतलब छोटा, जो जितना बड़ा है उसको हम लोग पहले ही बड़ा कर देंगे। यानी कि जब राधा 6 साल की होगी तो रमा उस समय पैदा भी नहीं होगी, यानी 0 वर्ष। दोनों की उम्र का योग कितना दे रहा है, 26 साल। 26 साल में 6 साल तो इसको हम लोग दे दिए, तो बचा कितना, 20 साल। अब जैसे जैसे उम्र बीतेगा, यानी जितना उम्र इसका बीतेगा उतना ही इसका ही बीतेगा पैदा होने के बाद, ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 को हम लोग दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे, यानी 2 से भाग देंगे, 10 साल। यानी 10 साल इसका भी बीतेगा और 10 साल इसका भी बीतेगा, तो ये कितना, 10 साल के बाद 16 साल और ये 10 साल के बाद कितना, 10 साल, क्योंकि उसमें पैदा ही नहीं हुई थी। यानी रमा से बड़ी है, तो क्या बोल रहा है, राधा की आयु ज्ञात कीजिए, राधा का उम्र कितना हो गया, 16 साल। ये बोलता कि रमा की उम्र कितनी है, तो 10 साल। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, राधा की उम्र ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। या हम लोग इसको इस प्रकार से भी बना सकते थे, राधा प्लस रमा, दोनों का 26 और दोनों का अंतर कितना हो जाता, 6। अब यहां इसको समीकरण हल करके हम लोग बना लेते हैं, राधा का निकालना था तो प्लस गया खत्म, 2 इंटू राधा, ये हो जाता हम लोग का 6 6 12 2 1 2 1 3 32, यहाँ से 2 से भाग देते आ जाता 16, यानी राधा को उम्र कितना हो जाता, 16। इस तरह से भी निकल सकता था। हम लोग का अगला प्रश्न है, रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग इतना है, तो गौरी की आयु ज्ञात कीजिए। वही काम करेंगे, रवि है गौरी है, रवि गौरी,
दोनों की उम्र का योग कितना? 31 वर्ष। रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी रवि जब 5 साल का था तो गौरी उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। तो 31 में 5 का यूज कर लिए हम लोग, क्या करेंगे अब इसको खत्म कर देंगे, 5 को माइनस कर लिए। अब 26 में क्या करेंगे, दो लोग है, दोनों का उम्र बढ़ेगा साथ साथ। अब यानी जैसे ही ये पैदा लेगी तो दोनों का उम्र क्या होगा, 5 साल के बाद गौरी का जन्म हो चुका है, तभी तो दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 वर्ष का। तो इसको दो भाग में बांट देंगे, 13 आएगा, यानी 13 साल इसको देंगे, 13 साल इसको देंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 18, ये 13, ये यानी कि जब रवि की उम्र 18 साल तो गौरी की कितनी साल, 13 साल। पूछ किसका रहा है, गौरी की आयु ज्ञात कीजिए, तो गौरी की उम्र कितना हो गया, 13 साल, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का 13 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की उम्र में अंतर कितना, अरुणा और सिस्टर दोनों की उम्र में, बोला क्या, अरुणा की छोटी बहन जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, यानी अरुणा में से बहन की उम्र को घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष आएगा। क्या बोल रहा है, यदि अरुणा की आयु 18 वर्ष है, अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, यानी अरुणा का उम्र नहीं मालूम है लेकिन बहन का उम्र कितना है, 18 साल, 8 कर दिए यहाँ, इस 18 को यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो माइनस में यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो अरुणा का उम्र कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 16, 26 वर्ष, कितना हो जाएगा अरुणा की आयु, ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ड। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से ही बना सकते हैं, अरुणा और सिस्टर यानी बहन, अरुणा अपने बहन से 8 वर्ष क्या है, छोटा कौन है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, यानी इससे 8 वर्ष कम है सिस्टर। अब यदि बहन का उम्र 100 हो तो अरुणा क्या होगी, इससे 8 वर्ष अधिक होगी, अधिक इसका उम्र होगा, जबकि ये बोल रहा है कि अरुणा की आयु बहन की आयु 18 वर्ष है, बहन की आयु 18 वर्ष, यानी कह सकते हैं कि x का मान 18, अब x का मान 18 तो अरुणा की आयु कितनी, तो x के जगह x का मान रख देंगे अब प्लस 8, कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 26, यानी इस तरह से ही बनेगा, अरुणा का उम्र कितना हो जाएगा हम लोग का, 26 वर्ष, यानी दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं।